आइए दोस्तों देखते हैं एक और धमाकेदार ट्रिक, वर्ग निकालो चुटकियों में। मैं वीरेश कुमार बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बातों ही बातों में स्क्वायर निकालो, चलो देखते हैं। तो ट्रिक है हमारी, वर्ग से संबंधित दो अंकों के वर्ग हम आसानी से विद इन दो सेकेंड में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। हमें निकालना है 56 का वर्ग, ठीक है। तो 56 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें दो अंक हैं, एक हमारा इकाई अंक एक हमारा दाई अंक, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले सबसे पहले इकाई अंक का हमने स्क्वायर किया, कितना हो गया, 6 का कितना होता है 36, ठीक है। फिर किया हमने तीनों का मल्टीप्लीकेशन, कैसे कि देखिए पहले 6 का इकाई अंक का हमने स्क्वायर किया, कितना हो गया 36, फिर तीनों का मल्टीप्लाई किया यानी 5, 6 और 2, कितना हुआ 5, 6, 30, 2, 60, तो 60 हो गया, ठीक है। फिर हमने किया जो हमारा दाई अंक था उसका स्क्वायर कर लिया, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, फिर यहाँ जो हमारा ये 36 था, 36 का हमने कितना लिया 6, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 3, ठीक है। फिर हमने यहाँ से कितना है हमारा 60, 60 में हमने 3 को ऐड किया, कितना हो गया 63, 63 के 3, फिर हमारा आंसर कितना हो गया 6, ठीक है। फिर 25 और 6, 31, तो हमारा आंसर हो गया 31, 36, ठीक है दोस्तों। समझ में नहीं आया, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, बहुत सारे वर्ग मैं निकालने वाला हूँ, देखिए समझ में डेफिनेटली आपके आने वाला है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा 92, 92 का स्क्वायर कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था, पहले हम इकाई अंक का करेंगे स्क्वायर, कितना होता है 2 दूना 4, तो हम दो अंक में लिखेंगे इसको 0, 4, ठीक है। फिर उसके बाद तीनों का मल्टीप्लाई 9, 2 और 2, ठीक है। दो मतलब ये वाला दो, स्क्वायर वाला, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 36 ये लिख लिया, ठीक है। फिर हमारा कौन है दाई अंक, दाई अंक का हमने स्क्वायर किया 9 का 81, ठीक है। 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो 81, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो आगे देखते हैं। यहाँ से 0, 4, हमने क्या लिया 4, हासिल कितना 0, कुछ नहीं है ना। फिर 36 का कितना आ गया 6, फिर हासिल हो गया हमारा 3, ठीक है। 21 और 3, 84, तो हमारा राइट आंसर 84, 64। आप दोस्तों चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, सारे वर्ग जितने भी हैं सब सही हैं, ठीक है। और जो हमारी ट्रिक है बहुत ही आसान है, आप बस प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है जैसे 48 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। वही हमने इकाई अंक का किया यहाँ पर स्क्वायर, तो 8 का कितना होता है 64, फिर हमने तीनों का किया मल्टीप्लाई 4, 8 और हमारा 2, तो 4 8 32 2 64 64 हो गया। फिर हमने किया दाई अंक का स्क्वायर, तो 4 का कितना हो गया 16, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर यहाँ से हमने 64 का कितना लिया 4, हासिल हो गए हमारे 6, ठीक है। फिर 64 और 6 कितना हो गया 70, तो 70 का हो गया 0, फिर हमारे हासिल हो गए 7, फिर 16 और 7, 23, तो आंसर हो गया 23, 0, 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन मैथमेटिक्स की ट्रिक्स मैं लेकर आने वाला हूँ, बहुत सारी ट्रिक्स आपको मैं बताने वाला हूँ, चाहे वो वर्ग की हो, वर्गमूल की हो, घन हो, घनमूल हो, मल्टीप्लीकेशन हो, एडिशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको यहाँ कवर कराने वाला हूँ, तो बने रहिए। चलिए देखते हैं, आगे है हमारा जैसे 24 का स्क्वायर निकालना है। वैसे हमें 24 तक तो याद होने चाहिए, 25 तक या 30 तक तो हमें याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो 24 का वैसे हमें पता होगा, सबको पता होगा, ठीक है। तो 24 का कितना होता है 576 होता है, तो देखते हैं कैसे निकाला। बस वही ट्रिक है हमारी, 4 का स्क्वायर किया कितना हो गया 16, तीनों का मल्टीप्लाई 2, 4, 2, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूनी 2, सॉरी 2 चौके 8 दूनी 16, ठीक है 16। और यहाँ पर फिर दाई अंक का किया हमने स्क्वायर 4, तो फिर हमने सॉल्व किया, फिर 16 का कितना लिया 6, 1 हासिल, 16 और 1 17 के 17, 1 हासिल, 4 और 1 5, ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा 576। चलिए आगे देखते हैं, अब निकाला हमने 31 का, ठीक है। तो अब फिर से वही, ठीक है, बार बार मैंने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों कराए,
क्योंकि ज़्यादा निकालोगे उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतनी समझ में आपके ज़्यादा आएगा, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। चलिए 31 का किया यहाँ से, तो फिर कितना आया, एक का हमने किया तो एक जीरो एक, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, तीन एक तीन दो नहीं छः, जीरो छः, तीन का किया नौ, 961, ठीक है, आसान है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब निकाला हमने कितना, 83 का, 83 का निकाला फिर से वही, हमने तीन इकाई अंक का किया स्क्वायर, तो 9 तो 09, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, 8 3 और 2, 8 3 24 दूनी 48, तो 48 आ गया। फिर दाई अंक का हमने स्क्वायर फिर से किया, तो 8 का 64, ठीक है, तो 09 से यहाँ से 9 आ गया, कैरी कुछ नहीं है हमारा, 48 का 8 4 हो गया हमारा, ठीक है, 64 और 4 68, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सारे हैं, फिर 18 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो 18 का किया तो 8 का किया तो कितना आ गया 64, तीनों का मल्टीप्लाई, 8 एक ना 8, 8 दूनी 16, ठीक है, एक का किया एक, फिर से 64 का आ गया 4 6 हासिल, 16 और 6 22, 22 के 2 फिर 2 हासिल, फिर एक का एक दूनी 2 और ये 3 324, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर ये 67 का किया, ठीक है, तो 67 का किया कितना आएगा, तो 67 में देखा 7 का कितना हो गया 49, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई, 67 42, 42 दूनी 84, ठीक है, 6 का किया 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, 49 का यहाँ से 9 आ गया, 4 हमारा हासिल हो गया, 84 और 4 88, 88 का 8 आ गया, फिर से 8 हासिल हो गया, 36 और 8 44 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे, अब निकाला हमने 73 का, तो 73 में फिर से वही, 3 का कितना हो गया 09, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, 7 21 दूनी 42, फिर 7 का 49, ठीक है, तो यहाँ से 09 से 9 आ गया, हासिल कुछ नहीं है 0 है, 42 का 2 आ गया 4 हासिल है, 49 और 4 53 आंसर हो गया, ठीक है ना। आ गया 68 का, ठीक है, तो फिर से वही 8 का 64 हो गया, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, 8 6 48 दूनी 96, ठीक है, 6 का 36 हो गया, फिर से वही 4 यहाँ पे आ गया 6 हमारा हासिल, 96 और 6 102, 102 का 2 10 हासिल हो गया, 36 और 10 46 ये आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ट्रिक आपको कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों लाइक करना ना भूलें। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।